इन्फिनिक्स को देखकर अभी भी थोड़ा सा आशा हम लोगों की मन में है, खास एंट्री लेवल एंड बजट सेगमेंट की स्मार्टफोन की अंदर। इन्फिनिक्स को अगर आप देखेगा अभी भी 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 रुपये में जिस तरह का हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है स्मार्टफोन, ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए रिसेंटली लॉन्च किया इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 एडिशन। हालांकि ये फोन का इस तरह का नहीं नाम रखकर सीधा हॉट 12 नाम रख सकता जो और भी ज़्यादा बेटर होता ये फोन का नेमिंग के बारे में। तो हे गाइस आप लोग कैसे हो, टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो हॉट 11 2022 एडिशन का जो अगर आप प्राइस देखिएगा 10,000 रुपया का तो फोन है, बट इंट्रोडक्टरी प्राइस की तौर पर आपको 1,000 रुपया ऑफ में यानी 9,000 रुपया में देखने को मिलेगा। काफी अच्छा अच्छा खासियत ये फोन में देखने को आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप देखिएगा मोटोरोला भी पीछे नहीं है, मोटोरोला ने भी काफी एग्रेसिव काम कर रहे हैं और इस बजट कैटेगरी के अंदर ही मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटोरोला का G22। जो फोन 11,000 रुपया में तो लॉन्च हुआ, बट ये फोन भी बैंक कॉपर की सब पहला सेल के अंदर अभी भी ये 10,000 रुपया में आपको मिल सकता है। तो दोनों फोन का कंपैरिजन देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फोन कौन सा सेगमेंट में सही है एंड आपके लिए कौन सा फोन सही हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर गौर कीजिएगा। तो मोटोरोला का अगर आप देखिए ये फोन का जो डिजाइन इंप्लीमेंट किया मोटोरोला ने, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है। G22 का डिजाइन को देखकर आपको लगेगा नहीं है ये एक 10,000-11,000 रुपया की फोन है, 20-25,000 रुपया की कैटेगरी की तरह एक आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। इस मामले में मोटोरोला को सच में अप्रिसिएट करना चाहिए। मोटोरोला जो है डिजाइन के बारे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया, जो चीज आपको पहला G31 देख लीजिए या G51 में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बट सेम टाइम अगर आप देखिएगा इन्फिनिक्स को, इन्फिनिक्स हमेशा अच्छा डिजाइन के मामले में काम करता आया है। ये फोन में भी ओवरऑल मिनिमल लुकिंग के साथ एक अच्छा डिजाइन आपको प्रोवाइड करते देखने को मिल जाएगा। ग्लॉसी फिनिश के साथ एंड कैमरा बम का डिजाइन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुकिंग वाइज ये फोन को भी मैं अच्छा मान सकता हूँ। फिजिकल ओवरव्यू की बात किया जाए तो इन्फिनिक्स का ये फोन में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे सिंगल स्पीकर ग्रिड, आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। इधर आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक ये बजट में मिलता नहीं है। सेम टाइम अगर आप मोटोरोला को देखिएगा, मोटोरोला का फोन में भी आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, साइड माउंट फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, 3.5 एमएम ऑडियो जैक एंड सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। इधर भी आप डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का डिस्प्ले के ऊपर गौर कीजिएगा, जो सेगमेंट में मुझको लगता है मोटोरोला ने सबसे ज्यादा गलती किया, मोटोरोला का ये फोन में आपको 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। एंड मैं हमेशा बोलते आया हूं मोटोरोला के बारे में नहीं है, हर एक ब्रांड के बारे में, 10,000 रुपया के ऊपर का फोन होगा तो ऑब्वियसली फुल एचडी 60Hz का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले ज्यादा बेटर है एक 90Hz 60Hz HD+ डिस्प्ले से। तो ये मामले में मोटोरोला का अभी भी काफी काम करना चाहिए एंड इधर आपको 5-6 भी देखने को मिल जाता है। बट सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स को देखिए, इन्फिनिक्स ये फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड इधर आपको 5-6 आपको जो फोन है फोन का बीच में देखने को मिलेगा 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो कंटेंट वॉचिंग के मामले में अगर आप देखिए फुल एचडी डिस्प्ले होने पर, साइज एक अच्छा बड़ा डिस्प्ले होने पर सब कुछ लेकर जो इन्फिनिक्स एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ले लेता है। दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए देखिए चैनल में व्यूअर टू सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है। सेम टाइम चैनल का हालत भी कुछ खास नहीं है, हर दिन जो है हम लोगों का सब्सक्राइबर नीचे गिरते देखने को मिल रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल फ्री होकर कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। स्पेशली ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड लाइक टारगेट फिल करने के लिए ट्राई कीजिए, जितना लाइक होगा ये वीडियो का व्यू ग्रो करने में उतना ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। दोनों फोन में आपको LPDDR4X रैम तो देखने को मिलेगा, स्टोरेज के मामले में दोनों ही आपको eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर देखिएगा दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर, जो सेक्टर में भी मोटोरोला ने काफी बड़ा सेक्रीफाइस किया, ये फोन एक 11,000 रुपया का फोन है। ऑब्वियसली इधर G37 की तरह प्रोसेसर यूज नहीं करना चाहिए था, तो मीडियाटेक G37 जो प्रोसेसर इधर यूज किया गया ये बेसिकली आप मान सकते G35 यानी मीडियाटेक P35 प्रोसेसर ही है। तो इस मामले में मीडियाटेक का ये प्रोसेसर यूज करना मोटोरोला के लिए अच्छा नहीं हुआ। इस बजट में आराम से G80 G85 की तरह प्रोसेसर आ सकता था, इवन UNSSD का प्रोसेसर भी यूज कर सकता था मोटोरोला ने, तो इस मामले में इधर काफी बड़ा सैक्रिफाइस हुआ है। इसलिए परफॉर्मेंस सेक्टर में उतना खास आपको ये फोन देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल टास्क तो ठीक ठाक हो जाएगा, एंटू की पर बेंचमार्क का पुट तकरीबन 1,10,000-20,000 के बीच में देखने को मिलेगा नॉर्मली, बट गेमिंग की बात करेंगे नहीं करेंगे तो ये अच्छा है।
और उतना अच्छा ग्राफिक्स भी देखने को नहीं मिलेगा। बट सेम टाइम अगर आप देखिए इन्फिनिक्स का ये फोन में आपको यूनिसिसी का T610 की तरह प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यूनिसिसी T610 को अगर आप देखिएगा ये बेसिकली मीडियाटेक हीलियो G70 से थोड़ा सा बेटर या G80 की आसपास का एक प्रोसेसर आप मान सकते हैं, जिधर आपको नॉर्मल टच तो अच्छा होते देखने को मिलेगा। सेम टाइम अगर आप देखेंगे गेमिंग की बात करेंगे पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह मॉडरेट टाइम 1 घंटे 2 घंटे के लिए अगर थोड़ा लाइट में खेलना चाहते तो आप आराम से खेल सकते, बट ये भी उतना कुछ खास नहीं है। बेंचमार्किंग की कोड बताया जाए तो इधर आपको अराउंड 2 लाख 2 लाख 10 थाउजेंड तक मैक्सिमम आपको बेंचमार्किंग स्कोर आते देखने को मिलेगा। एंड इधर आपको कॉर्टेक्स का A75 बेस आपको सीपीयू भी देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसका एडवांटेज आपको क्लियरली परफॉर्मेंस सेक्टर में इन्फिनिक्स के पास जाते देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का कैमरा सेगमेंट को देखिएगा इस मामले में इन्फिनिक्स थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये फोन में प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा अपर्चर 2.0 की साथ, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिलेगा। बट अगर आप ये फोन को 10,000 रुपया की फोन वाइज ट्रीट करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा एक ठीक ठाक कैमरा सेटअप है। इधर आपको नॉर्मल जो कैमरा से पिक्चर आता है डे लाइट कंडीशन में आपको ठीक ठाक क्वालिटी का देखने को मिलेगा, हालांकि लो लाइट में उतना कुछ खास तो देखने को नहीं मिलेगा, बट डेडिकेटेड एक लो लाइट मोड आपको देखने को मिलेगा जिससे हेल्प से थोड़ा आप लो लाइट कंडीशन में भी पिक्चर का क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। HDR मोड, पोर्ट्रे मोड, ब्यूटिफिकेशन मोड, ये सब चीज़ तो देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा से भी आप डे लाइट कंडीशन में ठीक ठाक पिक्चर क्लिक कर रहेंगे, इधर भी HDR मोड, पोर्ट्रे मोड, ब्यूटिफिकेशन मोड, ये सब देखने को मिल जाएगा। मैं मानता हूँ इधर जो है एक 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर या 12 मेगापिक्सल का ऐसा सेंसर यूज करना चाहिए जिधर आपको पिक्सल साइज 1.25 माइक्रोन का तरह होने पर और भी ज्यादा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेटअप फिर भी ठीक ठाक है। एंड इधर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड देखिएगा मैक्सिमम 180p की पर वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, स्लो मोशन भी मौजूद देखने को मिलेगा 720p की पर। बट इस मामले में मोटोरोला थोड़ा आगे हो जाता है क्योंकि ये फोन में आपको क्वाड कैमरा की सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का J1 सेंसर, अपर्चर 1.8 की साथ पिक्सल साइज 0.64 माइक्रोन का, जो पिक्सल बिनिंग में 1.25 माइक्रोन में काम करते देखने को आपको मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्राइड लेंस देखने को मिल रहा है, जो चीज सबसे बड़ा एप्रिसिएटेबल वर्क है मोटोरोला का इस बजट में अल्ट्राइड दे रहा है एंड फ्यूचर में भी मोटोरोला का ये काम करते रहना है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर कोई काम का नहीं है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर भी देखने को मिलेगा। तो मोटोरोला का अगर आप कलर साइंस को देखिएगा ट्रू टू नेचुरल कलर तो प्रोड्यूस करके देता है, बट आजकल जो पिक्चर आ रहे हैं ना थोड़ा सा विविड होकर आ रहा है, ट्रू टू नेचुरल कलर होने पर भी जो देखने लगता है वो और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि मोटोरोला का कैमरा का एल्गोरिदम ऐसा है काफी स्टेबल नहीं देता है पिक्चर का क्वालिटी, कभी क्या होता है काफी अच्छा एक फोटो आ जाता है, फिर क्या होता है कभी सारा टाइम हाईलाइट या डायनामिक रेंज को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इस तरह का पिक्चर भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये सब लेकर जो मोटोरोला का अभी भी काम करना चाहिए, बट फिर भी अगर पिक्चर क्वालिटी वाइज देखिएगा मोटोरोला एडवांटेज लेता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्राइड लेंस का जो एडवांटेज है ये भी आपको देखने को मिलता है। एंड लो लाइट फोटोग्राफी की बात किया जाए तो प्राइमरी कैमरा का पिक्सल साइज 1.28 माइक्रोन का होने पर लो लाइट कंडीशन में ठीक ठाक ही तो फोटो आते देखने को मिलेगा, बट एक 48 या 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आप कंपेयर मत कीजिएगा, ये 50 मेगापिक्सल सेंसर ट्रेडिशनल 48 64 मेगापिक्सल सेंसर से क्यों पीछे, इसको रिगार्डिंग वीडियो है यूट्यूब चैनल में हम लोगों का, जस्ट सर्च कीजिए J1 सेंसर टेक 7 रेडमी 10 वाला वीडियो देखिए, नहीं तो आई कार्ड में जाकर भी देख सकते, इधर भी हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, बट ठीक ठाक आपको पिक्चर आते देखने को मिलेगा। अल्ट्राइड लेंस को तो ऑब्वियसली यूज में ले सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको ठीक ठाक क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ब्यूटिफिकेशन मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये सब आपको मौजूद देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड मैक्सिमम 180p के ऊपर देखने को मिल जाएगा, स्लो मोशन भी है बट उतना कुछ काम का नहीं है। तो सब कुछ लेकर अगर देखा जाए साइड बाय साइड कैमरा के मामले में थोड़ा सा एडवांटेज तो मोटोरोला के पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बैटरी के ऊपर गौर कीजिएगा तो दोनों फोन में 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगा, बट मोटोरोला के फोन में एडवांटेज क्या है आपको 20W का चार्जर एडाप्टर इनबॉक्स देखने को मिलेगा, जिससे फोन थोड़ा बहुत तो फास्ट ऑब्वियसली चार्ज होते आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम इन्फिनिक्स का फोन में 10W का चार्जर एडाप्टर दिया गया, इस मामले में चार्ज होने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, बट मुझको जो लगता है इन्फिनिक्स का ये फोन में 18W का क्विक चार्ज का सपोर्ट देना चाहिए था, इनबॉक्स नहीं दो ठीक है चार्जर, बट एक सपोर्ट देना जरूरी था। इस मामले में इन्फिनिक्स थोड़ा पीछे होता है, बट सॉफ्टवेयर एंड UI की बात करेंगे तो मोटोरोला काफी आगे है, क्योंकि इन्फिनिक्स का ये फोन में अभी भी एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करते देखने को मिलेगा XOS 10 के ऊपर। तो XOS को अगर देखिएगा काफ़ी हेवी कस्टमाइजेशन का फीचर के साथ एक UI देखने को मिलेगा, काफ़ी कस्टमाइजेशन का फीचर तो है बट काफ़ी यूजलेस फीचर भी है, मुझको उतना पसंद नहीं है XOS, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए एंड काफ़ी प्रीलोड एप्स ऐसा देखने को मिलेगा जो काम का भी नहीं है, आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो ये सब लेकर जो इन्फिनिक्स को अभी भी काफ़ी काम करना चाहिए, हालांकि पहले से इम्प्रूव तो हो चुका है
ये एक सोर्स। बट सेम टाइम अगर मोटोला को देखिएगा, ये नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक यूआई तो प्रोवाइड कर रहा है मोटोला का फोन में, प्लस एंड्रॉइड 12 भी है। तो ये है सबसे बड़ा हाईलाइटेड है ये फोन का सॉफ्टवेयर एंड यूआई के मामले में। स्टॉक एंड्रॉइड की तरह यूआई और आपको पिक्सल की तरह एक्सपीरियंस भी मिल रहा है एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में भी अच्छा मिल जा रहा है। तो सब कुछ लेकर जो सॉफ्टवेयर यूआई के मामले में मुझको पर्सनली लगता है ना, मोटोला थोड़ा एडवांटेज देता है। एंड ये फोन में आपको 3 साल का सिक्योरिटी पैच भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर अगर आप साइड बाय साइड देखिए, दोनों फोन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आपको चूज करना है आपके लिए कौन सा चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस में थोड़ा प्रायोरिटी देना है, तो ऑब्वियसली आप इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 के साथ जाइए। बट अगर आपको कैमरा चाहिए थोड़ा बेटर या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में इस बजट में सबसे अच्छा चाहिए, तो आप ऑब्वियसली मोटो G22 के साथ जाइए। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया हो जरूर फील कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को वीडियो चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक अभी मुलाकात नजर आए, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। एंड फेसबुक में फॉलो कीजिए, ट्विटर में फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है।